नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल वर्चुअस में। फाइनली वो समय आ चुका है जब आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं वर्चुअस ग्रुप। जैसे कि आपने ऑलरेडी ओवरव्यू का वीडियो देख लिया है ग्रुप पे कि क्या क्या आपको इस कोर्स के अंदर हम देने वाले हैं, क्या क्या चीजें आपको पढ़ाने वाले हैं। वो सारी बातें वापस करने का कोई मतलब नहीं। अगर आप वो सारी बातें नहीं जानते हैं तो एक सेपरेट वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएगा जिसमें वर्चुअल ग्रूम के जो कंप्लीट ओवरव्यू है वो दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। तो आज के सेशन की बात करते हैं। पहला सेशन डे वन रीजनिंग का क्या स्टार्ट किया जा रहा है? थंबनेल से एकदम क्लियर है सर, इनइक्वालिटी। आज हम स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक जो रीजनिंग में आपका रहेगा वो रहेगा इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी में भी आज पहला पार्ट रहेगा, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट है। देखेंगे कि क्या मेथड रहता है, क्या अप्रोच रहती है बेसिक लेवल से इनइक्वालिटीज के सवालों को सॉल्व करने के लिए। अब इनइक्वालिटीज को हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों? असमताएं। तो कुछ हमारे जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं जो एडेड है उनके लिए भी मैं डिफरेंशिएट करता रहूंगा, उनको भी जो हिंदी में जो टर्मिनोलॉजीज होती है, टर्म्स होती है, वो साथ साथ बताता रहूंगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखने से तो इनइक्वालिटी बहुत इजी टॉपिक रहता है और एक्चुअल में है भी। रीजनिंग सेक्शन का फॉर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स, बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम के लिए रीजनिंग का सबसे जो इजी टॉपिक है वो इनइक्वालिटी है। पर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला, मतलब सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट टॉपिक भी ये है। चीजें बदलती रहती है, कई बार वो टॉपिक आता है, कई बार वो टॉपिक नहीं आता है, एक्स टॉपिक आ रहा है, वाई टॉपिक नहीं आ रहा है, पर जो इनइक्वालिटी है वो एक कंसिस्टेंट है। हमेशा आपको हर एग्जाम के प्री में लगभग इनइक्वालिटी देखने को मिलेगा, इवन मेंस में भी देखने को मिल सकता है। बहुत रेयरली होता है कि मेंस में है, पर ऐसे ओकेजन हो चुके हैं जब मेंस में भी इनइक्वालिटी पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वीडियो एंड तक देखना है। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको आज मैं बताने वाला हूं। इंट्रोडक्टरी पार्ट है, पार्ट वन है, डे वन है। जो जो बच्चे नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, कुछ जो अभी जुड़े हैं, अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करना स्टार्ट किया है, और जो कुछ कुछ समय से कर रहे हैं पर कुछ कुछ मार्क्स से रह जा रहे हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। बेसिक टू एडवांस सभी कुछ पढ़ाया जाएगा। तो आज सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इनइक्वालिटी का। तो इनइक्वालिटी के लिए सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे? सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि फॉर्मेट क्या है सवाल का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं हमारे साथ जो जुड़े हैं, जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें आइडिया नहीं है कि किस तरह के इनइक्वालिटी के, असमताओं के किस तरह के सवाल रहते हैं। तो सवाल का फॉर्मेट कुछ इस तरह रहता है। आपको जैसे कि यहां पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, हो सकता है एक स्टेटमेंट दिया जाए, हो सकता है एक से ज्यादा दिया जाए, दो दिए जाए, तीन दिए जाए, इवन चार भी दिए जा सकते हैं। यहां पर मैंने सबसे बेसिक एग्जाम्पल से स्टार्ट किया है। तो एक स्टेटमेंट आपको यहां पर दिया गया, इस स्टेटमेंट पे मतलब इस कथन पे इसको सच मानते हुए नीचे दो कंक्लूजन्स आपसे पूछे गए हैं। कंक्लूजन्स मतलब क्या हुए? आपके निष्कर्ष हो गए, ठीक है? दो निष्कर्ष आपसे, दो कंक्लूजन्स आपसे नीचे पूछे गए हैं। इसको सच मानते हुए इन दोनों का आपको जवाब देना है। अब सर जवाब क्या देना है ये सीख लेते हैं। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली बात जो हमें आपको बताना जरूरी है वो है इनइक्वालिटी है क्या। इनइक्वालिटी बेसिकली पांच साइन, पांच चिन्हों की अंडरस्टैंडिंग है। कौन कौन से साइन है सर? ग्रेटर, लेस, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल और फाइनल आपका इक्वल। तो ये पांचों साइंस का मीनिंग क्या रहता है ये तो ऑलरेडी हमको पता है। ग्रेटर मतलब बड़ा, लेस मतलब छोटा, ग्रेटर इक्वल या तो बड़ा या फिर बराबर, लेस इक्वल मतलब या तो छोटा या फिर बराबर, और फाइनली इक्वल मतलब बराबर। पांचों साइंस का मीनिंग तो अब पता है। अब सर इन साइंस का यूसेज हम कैसे करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अच्छे से दोस्तों सुनिएगा। आपको क्या करना है, जितने भी आपके साइंस हो, जितने भी आपके साइंस हो, जितने भी आपको चिन्ह हो, उनको क्या मानना है, एक वन वे गेट की तरह मानना है, वन वे गेट की तरह मानना है, या वन वे रोड की तरह से मानना है। वन वे गेट या वन वे रोड की तरह मानना है आपको, किस तरह से सर? जैसे कि हम पहला एग्जांपल इसी से स्टार्ट करते हैं, ग्रेटर से, ज्यादा या फिर बड़ा वाला जो चिन्ह है उससे शुरुआत कर रहे हैं। मैं इसको कह रहा हूं कि ये एक वन वे रोड है या फिर ये एक वन वे गेट है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसमें एक तरफ से ही एंट्री हो सकती है, दूसरी तरफ से एंट्री नहीं हो सकती। अब एंट्री किस तरफ से हो सकती है ये देख लीजिए, जहां पर ओपनिंग है
ठीक है, जहां पर ओपनिंग है मतलब जहां पर मुंह खुला हुआ है वहां से एंट्री हो सकती है। तो कहां मुंह खुला हुआ है, इस तरफ मुंह खुला हुआ है, तो इस तरफ से आप एंट्री कर सकते हो, मतलब इस तरफ से आते हुए इस तरफ को आप ऐसे क्रॉस कर सकते हो। पर यही बात की जाए बैक साइड से, मतलब अपोजिट साइड से, तो इस तरफ से इस तरफ वाली एंट्री आपकी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। यहां से यहां तक आप जा सकते हैं, पर यहां से ये वाली एंट्री आपकी पॉसिबल नहीं हो जाएगी, जिसके कारण मैंने आपको बोला था कि ये एक वन वे रोड या फिर एक वन वे गेट बन जाता है। अब जैसे आपने ग्रेटर के लिए किया, वही हम लेस के लिए भी चेक कर लेते हैं जल्दी से। जैसे लेस का लिया, अब मेरे को बताइए वन वे है, ठीक है, ओपनिंग इस तरफ है, इस तरफ से सर ओपनिंग है, तो यहां से आके आप ये क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। पर यही चीज आप पीछे से ट्राई करें तो सर नहीं हो पाएगा, क्योंकि एंट्री सिर्फ ओपनिंग की तरफ से ही हो सकती है, और ये ओपनिंग नहीं है, ये बैक साइड है, तो बैक साइड से एंट्री नहीं हो सकती, ओपनिंग के थ्रू से एंट्री हो पाती है, ठीक है। तो इस तरह से इसको ट्रीट करना है। मैं बाकी साइंस के लिए भी आपको बता देता हूं, जैसे ग्रेटर इक्वल है, किस तरफ से ओपनिंग है सर, इस तरफ से, तो इस तरफ से एंट्री हो जाएगी, इस तरफ से एंट्री नहीं हो पाएगी। इसी तरह से लेस इक्वल ले लेते हैं, इस तरफ से एंट्री हो जाएगी और इस तरफ से सर आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। अब फाइनल का अच्छे से सुनिएगा, इक्वल का बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आगे जाके डाउट आएगा फालतू में, अच्छे से सुनिएगा। इक्वल को आपको ऐसे ट्रीट करना है जैसे यहां पर कोई गेट या फिर यहां पर कोई रोड ही नहीं है, यहां पर कोई गेट ही नहीं है, ऐसी तरह से ट्रीट करना है। तो आप लेफ्ट साइड से भी एंट्री पॉसिबल है, राइट साइड से भी एंट्री पॉसिबल है। अगर यहां पर कोई गेट ही नहीं है तो कहीं से भी तो एंटर हो सकते हैं। तो ऐसा ट्रीट करना है जहां जहां इक्वल का बराबर का साइन है कि वहां पर कोई गेट ही नहीं है, तो लेफ्ट से भी जा सकते हैं, राइट से भी जा सकते हैं। और जो बाकी बचे हुए साइंस है, जो बाकी बचे हुए आपके चिन्ह है, उसमें एक तरफ से ही वन वे गेट की एंट्री रहेगी, और किस तरफ से रहेगी, जिस तरफ से मुंह खुला हुआ है, जिस तरफ से ओपनिंग है। आपको सभी साइन वाइज आपको बता दिया है किस तरह रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा, कॉपी में साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम इस सवाल पे आ जाते हैं कि किस तरह से इस इन बातों का यूज करके हम सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। तो जब भी आप इनक्वालिटी का सवाल देखें, सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि स्टेटमेंट पे फोकस ना करें, स्टेटमेंट को पढ़े ही ना, स्टेटमेंट पे जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा कंक्लूजन पे आ जाइए। सबसे पहला कंक्लूजन देखिए क्या दिया गया, अलग से लिखता हूं यहां पर। पहला कंक्लूजन आपको दिया गया है पी ग्रेटर वी, मतलब क्या पी वी से बड़ा है ऊपर दिए गए कथन, ऊपर दिए गए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें जो आपका पहला स्टेप रहता है, पहला स्टेप रहता है आपका ये देखने का कि ये जो दो एलिमेंट है इनके बीच में चिन्ह कौन सा आ रहा है, कौन सा चिन्ह आ रहा है सर, ग्रेटर का, ज्यादा का, ठीक है। अब इसकी ओपनिंग या इसका मुंह किस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो सर ये इसकी ओपनिंग है और ये पॉइंट कर रहा है इस तरफ, तो इस तरफ आपके कौन सा एलिमेंट आ रहा है, कौन सा अक्षर आ रहा है, सर इस तरफ आ रहा है पी, तो यहां पर पी आपका बन जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट। क्या बन जाएगा, पी स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब शुरुआती पॉइंट जहां से शुरू होंगे, आगे बताऊंगा स्टार्टिंग पॉइंट का क्या अर्थ है, एक बार के लिए नोट कर लीजिए, साथ साथ सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। पी बन जाता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। अब जो दूसरा आपका जो अक्षर है जिसके तरफ बैक है, वो आपका बन जाता है फिर ऑटोमेटिकली एंड पॉइंट, मतलब जहां पर हम हमारा सफर खत्म करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जहां से सफर शुरुआत करेंगे, और एंड पॉइंट जहां पर हम सफर खत्म करेंगे। अब सर ये सफर होने कहां वाला है, ये जर्नी हम कहां लेने वाले हैं, वो हम लेंगे स्टेटमेंट, मतलब वो हम लेंगे कथन के अंदर। कैसे लेंगे ये अभी बता देता हूं। स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट वाली बात क्लियर हो चुकी है, क्या करना है, सबसे पहले सीधा कंक्लूजन पे जाना है। कंक्लूजन में जाते ही पहले ये देखना है कि जो बीच में चिन्ह आ रहा है, बीच में जो साइन आ रहा है, उसका मुंह किस तरफ है, उसकी ओपनिंग किस तरफ है। सर हमारे केस में ओपनिंग थी पी की तरफ, तो पी को मान लिया स्टार्टिंग पॉइंट, और जिस तरफ बैक हो मतलब दूसरा अक्षर जो हो वो बन जाता है आपका एंड पॉइंट, मतलब पी से शुरुआत करेंगे और वी तक सफर तय करेंगे। तो क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहता है आपका स्टेटमेंट में ढूंढना कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या है। सर स्टार्टिंग पॉइंट है ये रहा आपका, कहां पर है, ये रहा आपका स्टार्टिंग पॉइंट पी, और एंड पॉइंट आपका आ रहा है यहां पर, ये रहा आपका वी, मतलब आपको कोशिश करनी है कि पी से सफर शुरुआत करते हुए वी तक जाने की, पी से सफर शुरू करते हुए वी तक जाने की। अब सर सफर कैसे करते हैं एक साइन से दूसरे साइन, वो हमने यहां सीखा था, वो आपने यहां सीख लिया था कि किस तरह से एक साइन से दूसरे साइन की तरफ मूव किया जाता है, याद रखिएगा ये बात, वन वे गेट वाली जो हमने अभी सीखी थी, ठीक है। तो
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाने की कोशिश करेंगे पीसीटी। तो मेरे को बताइए, क्या आप पीसीटी जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं सर, ओपनिंग वाली तरफ से जा रहे हैं तो एंट्री बिल्कुल पॉसिबल है। तो चलिए पीसीटी तक तो पहुंच गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर देखिए किस तरह से ग्रेटर इक्वल में हम जाते थे, ओपनिंग की तरफ से जा पा रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, बिल्कुल जा पा रहे थे। तो सर पी से टी तक तो हम पहुंच गए। अब नेक्स्ट टारगेट है हमारा टी से यू तक जाने का। अब सर टी से यू के बीच में कौन सा साइन आ रहा है, कौन सा चिन्ह आ रहा है? इक्वल का आ रहा है। सर इक्वल को तो हम ऐसे ट्रीट करते थे कि वहां पर कोई गेट ही नहीं है, तो लेफ्ट से भी एंटर कर सकते हैं, राइट से भी एंटर कर सकते हैं। तो आराम से आप टी से यू तक भी पहुंच गए। अब नेक्स्ट है सर यू से वी जाना। यू से वी जाने में कौन सा गेट यूज रहा है? सर ग्रेटर का। अब ओपनिंग इस तरफ से ही है, बिल्कुल है सर, ओपनिंग इस तरफ से है तो हम बिल्कुल जा सकते हैं। ओपनिंग इस तरफ से तो यू से वी हम बिल्कुल जा पा रहे हैं, क्योंकि ओपनिंग वाली तरफ से ही तो एंट्री पॉसिबल थी, ठीक है। बैक साइड से होती तो नहीं हो पाता, पर ओपनिंग वाली साइड से हम जा सकते हैं। तो यू से वी हम पहुंच गए, मतलब पी से सफर शुरुआत करते हुए वी तक हम बिल्कुल जा पा रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक आप जा पा रहे हैं। और ये ही पहला रूल रहता है कंक्लूजन को सही करने का। कंक्लूजन को सही करने के दो रूल रहते हैं जो मैं यहां लिख रहा हूं। पहला रूल रहता है कि आप स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट ऊपर वाले स्टेटमेंट में जा पाए, तो बिल्कुल जा पा रहे। अब दूसरा रूल रहता है आपका फाइनल साइन का, फाइनल साइन का या फाइनल चिन्ह का, अंतिम चिन्ह का। ये क्या रूल रहता है ये जरूर देख लेते हैं। अब सर आपको क्या चाहिए कि पी और वी के बीच में चिन्ह कौन सा है, ग्रेटर का या ज्यादा का? अब ज्यादा के लिए मैं कंडीशंस बता देता हूं, सभी के लिए बता देता हूं वैसे तो तो हल्का सा इरेज करूंगा यहां पर, नोट नहीं किया है तो जल्दी से नोट कर लीजिए, हल्का सा ये वाला पोर्शन इरेज कर रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मत चिंता कीजिए, ठीक है। उम्मीद है अभी तक सारी बातें समझ आ रही है। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसी टाइम रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। जो भी अभी तक यहां तक डाउट रहे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल लीजिए, आपको जल्दी से बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं फाइनल साइन पे, ठीक है। फाइनल साइन का रूल क्या रहता है सर, वो समझाता हूं मैं चिन्ह वाइज। तो अब हमें पहले, सबसे पहला जो चिन्ह हम कवर करेंगे वो है ग्रेटर और लेस, क्योंकि दोनों के लिए रूल सेम रहता है। रूल रहता है इन दोनों के लिए एटलीस्ट का। एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। अब कम से कम से क्या अर्थ हुआ सर, कम से कम से मेरा एटलीस्ट से अर्थ है कि जब आप स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक गए तो एटलीस्ट कम से कम एक साइन आपके वाला, मतलब जैसे आपको ग्रेटर का साइन चाहिए, फॉर एग्जांपल हमारे वाले केस में हमें ग्रेटर का साइन चाहिए, तो कम से कम रास्ते में एक चिन्ह या एक साइन ग्रेटर का आया हो, बात समझ आ रही है। अब मान लीजिए यही पी और वी के बीच में हमें लेस वाला साइन चाहिए होता तो यही रूल लग जाएगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक जाने में कम से कम, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जाने में कम से कम एक गेट लेस का आया हो। तो चेक कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे वाले केस में स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट में कौन कौन से गेट आया था। सबसे पहले आया सर ग्रेटर इक्वल, फिर आया इक्वल, इक्वल को तो कोई गेट ही नहीं मानते तो इसको गिने ही मत, और फाइनल आया ग्रेटर। सर फाइनल ग्रेटर आ चुका है, हमें हमारी कंडीशन क्या थी ग्रेटर के लिए कि रास्ते में एक भी गेट आ जाए तो ऐसा तो हमारी बात बन जाएगी। तो सर रास्ते में एक गेट तो आ गया, इसका मतलब बात बन गई, सेकेंड रूल भी लग गया, नहीं लग गया, समझे आप या नहीं समझे? ग्रेटर और लेस के लिए कंडीशन क्या थी, एटलीस्ट कम से कम, मतलब रास्ते में एक भी गेट आ जाए तो हमारी बात बन जाएगी। सर एक गेट तो आ गया तो हमारी बात बन गई, दोनों के दोनों रूल लग चुके, नहीं लग चुके? अगर दोनों रूल लग जाए तो इसका मतलब आपका कंक्लूजन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अब जैसे ग्रेटर और लेस के लिए बताया, वैसे ही जल्दी से मैं आपको ग्रेटर और लेस इक्वल के लिए भी बता देता हूं। इसके लिए कंडीशन होता है ऑल या फिर सभी। अर्थ क्या हुआ कि जब आप स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक जाए, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जाए, तो रास्ते में सभी के सभी गेट या तो ग्रेटर के इक्वल के हो, अगर ग्रेटर इक्वल के लिए पूछा है, अगर लेस इक्वल के लिए पूछा है तो भी सेम ही रूल, सेम ही रूल है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक सभी के सभी गेट किसके आए, लेस इक्वल के, ठीक है। तो ये बातों का आप ध्यान रखिएगा फॉर फाइनल साइन के लिए लिखा है, इसे नोट कर लीजिए। ऐसे ही आप टी से क्यू का भी चेक कर सकते हैं आराम से, मुझे 100% है, देख लीजिए जल्दी से। पहले स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट देख लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट कहां आता है, ये रहा। चलिए
सारा जो जो कराया था वो एक बार मैंने इरेज कर लिया है, जिससे क्लियरली आपको सेकंड वाला एग्जांपल और अच्छे से समझा पाऊं। जैसे कि आपको बोला था टी से क्या रहेगा आपका, टी ग्रेटर क्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहां पर हमने सब कुछ एक्सप्लेन कर लिया था। अगर आपने जस्ट पहले की जब मैंने आपको वन कराया था उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, तो पीछे जाकर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि उसके अंदर दो तीन अच्छे अच्छे रूल्स आपको मैंने क्लियर कर दिए थे। ठीक है, अब यहां पर क्या रहेगा, वही साइन का मुंह किस तरफ है, टी की तरफ है, तो टी क्या बन जाएगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट। बैक किस तरफ है, बैक है क्यू की तरफ, तो क्यू क्या बन जाएगा आपका एंड पॉइंट। अभी एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट कहां पर है, ऊपर वाले स्टेटमेंट में। तो सबसे पहले टी को ढूंढ लेते हैं, ये रहा आपका टी, और फिर क्यू को, क्यू ये रहा, टी से शुरू करेंगे और क्यू तक जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सर टी से यू तक तो सीधा ही चला जाएंगे, क्यों, क्योंकि इक्वल को हम क्या मानते थे, नो गेट, मतलब वहां पर कोई गेट ही नहीं है, तो लेफ्ट से भी एंट्री पॉसिबल है और राइट से भी आपकी एंट्री क्या रहेगी, पॉसिबल रहेगी। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब आगे बढ़ते हैं, यू से वी, यू से वी बिल्कुल जा पा रहे हैं क्योंकि ओपनिंग के थ्रू जा रहे हैं। ग्रेटर के लिए आपको मैंने बताया था इस तरफ से ओपनिंग की तरफ से पॉसिबल है, इस तरफ से पॉसिबल नहीं है, तो यू से वी पहुंच गए। फिर बात आती है वी से क्यू जाने की, सर वी और क्यू के बीच में क्या आ रहा है, ग्रेटर इक्वल के लिए, तो ग्रेटर इक्वल के लिए भी सेम ही रहता है, इस तरफ से आपकी एंट्री पॉसिबल है, दूसरी तरफ से एंट्री पॉसिबल नहीं है। अब किस तरफ से एंट्री पॉसिबल रहती है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, जिस तरफ ओपनिंग रहेगी उस तरफ से एंट्री पॉसिबल होगी, जिस तरफ बैक रहेगी उस तरफ एंट्री नहीं हो सकती। तो आप वी से क्यू भी चले गए, इसका मतलब पहले वाला जो रूल था आपका कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा, ये रूल तो क्लियर है कि स्टार्टिंग पॉइंट से सर एंड पॉइंट तक तो जा पा रहा है। अब दूसरा रूल आपका था फाइनल साइन का रूल, फाइनल चिन्ह का। अब यहां पर हमें फाइनल साइन चाहिए कौन सा, ये बताइए सर, वही ग्रेटर का ही चाहिए। अब ग्रेटर के लिए आपको मैंने अभी कुछ ही समय पहले कंडीशन लिखवाई भी थी, ग्रेटर और लेस के लिए सेम ही कंडीशन रहती है, कौन सी, एटलीस्ट वाली, कम से कम वाली, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक जाने में अगर रास्ते में एक भी ग्रेटर का गेट आ जाता है तो हमारी बात बन जाएगी। तो चेक कर लेते हैं, सर टी से यू के बीच में तो कोई गेट ही नहीं है क्योंकि इक्वल को कोई गेट नहीं मानते। यू से वी जाने में अच्छे से नोट करिए कि ग्रेटर का गेट आ चुका है, अब आगे और तलाश की जरूरत नहीं और आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कंडीशन क्या थी कि एक भी ग्रेटर का गेट मिल जाएगा तो बात बन जाएगी। तो सर एक गेट तो मिल गया, इसका मतलब फाइनल साइन वाला रूल भी क्या है, अप्लाई कर रहा है। अगर दोनों रूल अगर आपके सही हो जाते हैं तो कंक्लूजन क्या आ जाएगा, सही। तो इस तरह से आपको आंसर क्या आएगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, दोनों ही निष्कर्ष क्या है, सत्य है। तो आई होप सारी बातें क्लियर हुई हो। अभी मैंने कुछ समय पहले ही इरेज कर दिए थे जो जो बातें लिखी थी, जिससे कि आपको अच्छे से फिर से इसमें एक्सप्लेन कर सकूं। अगर आपने वो चीजें नोट नहीं की तो पीछे जाके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो दो रूल है क्या, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जाना, ठीक है, और दूसरा रूल है फाइनल साइन के लिए चेक करना। अब फाइनल साइन के लिए अलग अलग साइंस के लिए अलग अलग रूल रहते हैं, ग्रेटर और लेस के लिए एटलीस्ट रहता है, ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल के लिए क्या रहता है, ऑल का रूल रहता है। ऑल का मतलब कि सभी के सभी गेट आपके क्या हो, ग्रेटर के एक ग्रेटर इक्वल हो अगर ग्रेटर इक्वल के बारे में पूछा जा रहा है, तो लेस इक्वल के हो अगर लेस इक्वल के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर है। बाकी जो थोड़ी बातें क्लियर नहीं हुई, आगे जो हम तीन चार एग्जांपल्स और लेंगे उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, चलिए अब क्वेश्चन आपके सामने है, अप्रोच आपको बता दिए मैंने क्या करना होता है। सबसे पहले क्या देखना होता है, स्टेटमेंट, नहीं सर पहले स्टेटमेंट नहीं देखेंगे, पहले कंक्लूजन पे फोकस करेंगे। पहला कंक्लूजन क्या है, पी ग्रेटर क्यू, पी ग्रेटर क्यू से क्या मतलब निकला। अब सर सबसे पहली चीज हम करेंगे कि ग्रेटर का जो साइन है आपका, ग्रेटर का जो चिन्ह है, उसका मुंह किस तरफ है, उसकी ओपनिंग किस तरफ है। सर उसकी ओपनिंग है पी की तरफ, तो पी क्या बन जाएगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। इसी तरीके से फिर क्यू क्या बन जाएगा, एंड पॉइंट बन जाएगा। अभी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कहाँ होंगे, ऊपर वाले स्टेटमेंट के अंदर। अब हम जाएंगे स्टेटमेंट में, तो पी सर ये रहा, क्यू सर ये रहा, पी से हमें कहां तक जाना है, क्यू तक जाना है, तो लेट्स सी हम जा पाते हैं नहीं जा पाते। ठीक है, सबसे पहले पी से एल जाएंगे, तो पी से एल जा पा रहे हैं क्या सर, बिल्कुल जा पा रहे हैं सर, ओपनिंग की तरफ से जा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट जो एल से एम जाना है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं क्योंकि यहां पर आप बहुत अच्छी बात है सीखने वाले। एल से एम जाना है, तो मेरे को बताइए कि क्या हम एल से एम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, अच्छे से देख के बताइए कि एल से एम हम जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे।
सर बिल्कुल नहीं जा पा रहे क्योंकि हम बैक साइड से एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं और बैक साइड से कभी भी एंट्री पॉसिबल नहीं है। अब यही पूछा जाता कि क्या हम M से L जा सकते हैं क्या? M से L तो सर बिल्कुल जा सकते हैं क्योंकि ओपनिंग वाली तरफ से एंट्री कर रहे हैं तो जा सकते हैं अगर M से L जाने की बात होती। पर यहां पर बात ये नहीं हो रही, बात हो रही है L से M तक जाने के, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब आपकी गाड़ी यहीं रुक जाएगी, यहां से यहां तक जा ही नहीं पाएगी, तो यहीं रुक जाएगी ना। तो अगर यहीं रुक जाएगी तो क्यू तक जाने की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं। इसका मतलब पहला रूल कौन सा सर? स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे, ये ही गलत हो जाता है। अगर पहला ही रूल गलत हो गया तो दूसरे रूल को क्यों चेक करेंगे? आपका कंक्लूजन क्या हो जाएगा? पहले वाला रॉन्ग। अब यही चीज सेकेंड वाले में भी अच्छे से देखनी है। क्या बोला गया? क्यू ग्रेटर एम, मतलब ग्रेटर वाले साइन का मुंह किस तरफ है? क्यू की तरफ। तो क्यू क्या बन जाएगा? स्टार्टिंग पॉइंट। एम क्या बन जाएगा? एंड पॉइंट बन जाएगा। तो चलिए क्यू देख लेते हैं, क्यू कहां पर है। ये रहा आपका क्यू और ये रहा आपका एम। तो स्टार्ट करते हैं। सर स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम आ जा रही है, क्यू से एन तक ही नहीं जा पा रहे। अगर अच्छे से मैं अलग से लिखूं यहां पर, तो क्यू से एन आप जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते क्योंकि सर बैक साइड से एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है। अब यहीं पे बोला जाता है कि क्या आप एन से क्यू जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं सर, ओपनिंग वाली जगह से तो पॉसिबल है ही, पर आप तो क्यू से एन जाना चाहते हैं जो पॉसिबल नहीं है। तो आपकी गाड़ी यहीं रुक जाएगी, आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं है। अगर आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं है, इसका मतलब पहले वाली जो आपका रूल है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट वाला, वो यहीं गलत हो जा रहा है। अगर वो गलत हो जा रहा है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं। दूसरा कंक्लूजन, दूसरा निष्कर्ष भी आपका क्या आ जाएगा? गलत। तो इसमें आंसर क्या होगा? आंसर होगा बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, दोनों ही निष्कर्ष क्या है? गलत है। तो यहां पर हमने देखा कि ऐसा भी होता है जब स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक आप जा ही नहीं पाते। अगर जा ही नहीं पाते तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, वहीं पर गलत हो जाता है। ठीक है, आई होप यहां पर काफी क्लैरिटी मिली हो। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, वही सबसे पहले कंक्लूजन पे फोकस करते हैं। एम ग्रेटर इक्वल क्यू, कहां से कहां जाना है? एम से क्यू तक जाना है। क्यों? क्योंकि एम क्या बन जाएगा आपका? स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा, और क्यू क्या बन जाएगा? एंड पॉइंट। तो चलिए ऊपर चलते हैं, एम से स्टार्ट करना है और क्यू तक हमारा सफर है। सर एम से एन चले जाएंगे, एन से ओ भी चले जाएंगे, ओ से पी भी चले जाएंगे, और पी से क्यू भी चले जाएंगे। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब पहला रूल तो लग गया है, कौन सा? स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जाने वाला, ठीक है, ये लग चुका है। दूसरा रूल क्या रहता है सर सही होने के लिए? फाइनल साइन, मतलब फाइनल साइन क्या चाहिए आपको? फाइनल साइन चाहिए सर हमें ग्रेटर इक्वल का। अब मुझे बताइए ग्रेटर इक्वल की कंडीशन क्या रहती है? ऑल वाली, मतलब सभी वाली। अब सभी का अर्थ क्या रहता है? मैंने आपको पहले ही बताया कि रास्ते में सभी के सभी गेट किसके होने चाहिए? ग्रेटर इक्वल के। तो चेक कर लेते हैं सर सारे गेट आ रहे हैं कि ग्रेटर इक्वल के। एम से एन जाने में ग्रेटर इक्वल का है, एन से ओ जाने में ग्रेटर का है, ओ से पी जाने में ग्रेटर इक्वल का है, और पी से क्यू जाने में कोई गेट ही नहीं, क्योंकि इक्वल को कोई गेट नहीं मानते। तो आपके पास तीन गेट आए हैं, अच्छे से देख लीजिए। हमारी कंडीशन सही होने के लिए क्या होना पड़ेगा? इन तीनों गेट को होना होगा ग्रेटर इक्वल का। तो चेक कर लेते हैं ग्रेटर इक्वल के हैं या नहीं। सर पहला ग्रेटर इक्वल का है, तीसरा भी ग्रेटर इक्वल का है, पर सर जो दूसरा है वो ग्रेटर इक्वल नहीं आ रहा है, वो ग्रेटर का आ रहा है। तो यहां पर आपकी सभी वाली कंडीशन नहीं लग पा रही। नहीं लग पा रही इसका मतलब फाइनल साइन वाला रूल सही नहीं हो रहा। अगर फाइनल साइन वाला रूल सही नहीं हो रहा तो आपका कंक्लूजन क्या हो जाएगा? रॉन्ग। क्योंकि कंक्लूजन को सही होने के लिए तो दोनों रूल को सही होना जरूरी है ना। तो आपका सेकेंड वाला रूल नहीं लग रहा है, जिसके कारण पहला कंक्लूजन क्या हो गया है? गलत हो गया। अब चलिए इसी तरीके से सेकेंड कंक्लूजन देख लेते हैं जल्दी से। एन ग्रेटर पी, स्टार्टिंग पॉइंट का आंसर एन पर है, एंड पॉइंट का आंसर पी पर है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एन से शुरू करेंगे पी तक जाएंगे, एन से ओ चले गए और ओ से पी भी चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला वाला रूल लग गया है। अब सर फाइनल साइन का रूल क्या है? कौन सा गेट चाहिए हमें फाइनल? ग्रेटर का चाहिए सर। ग्रेटर की कंडीशन क्या होती है दोस्तों? एटलीस्ट होती है, नहीं होती? अब तो सबको ये रट चुका है अच्छे से, इतनी बार मैंने बोल दिया एटलीस्ट मतलब कम से कम, रास्ते में कम से कम एक ग्रेटर का गेट आ जाए, हमारी बात बन जाएगी। चलिए देख लेते हैं सर, एन से ओ जाने में ही ग्रेटर का गेट आ गया है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, बात बन चुकी है, फाइनल साइन का रूल लग चुका है। अगर दोनों के दोनों रूल लग चुके हैं तो फिर कहां की देरी? सेकेंड कंक्लूजन आपका एकदम आ गया है करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज करेक्ट, केवल दूसरा निष्कर्ष सत्य है। कोई प्रॉब्लम
यहां तक सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब थोड़े से एग्जांपल और कर लेते हैं देखने के लिए कि आपको कितना समझ आए, और एक बात और सीखनी बाकी है वो और सीख लेते हैं जल्दी से। चलिए सबसे पहले कंक्लूजन से स्टार्ट करेंगे। पहला कंक्लूजन क्या है, वाई ग्रेटर वी, मतलब कहां से कहां जाना है, वाई से वी जाना है, क्योंकि वाई बन जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट और वी बन जाएगा आपका क्या, एंड पॉइंट। कहां पर है वाई, ये रहा वाई, वी कहां पर है, ये रहा वी। वाई से एक्स चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे सर, एक्स से डब्ल्यू भी चले जाएंगे और डब्ल्यू से वी भी चले जाएंगे, मतलब पहला वाला रूल स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट वाला रूल तो लग गया। अब दूसरा रूल आता है फाइनल साइन का। अब फाइनल साइन का रूल लगाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो यहां पर आपको नोट करने को मिलेगी, और ये ऐसी बात है जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं एस्पिरेंट्स। नॉर्मल लेवल के जो आपके स्टेटमेंट कंक्लूजन के, आपके इनक्वालिटीज के सवाल आते हैं, इसमें काफी कॉमन गलती मानी जाती है ये। गलती क्या है देखते हैं। फाइनल साइन सर हमें चाहिए क्या, ग्रेटर का चाहिए फाइनल साइन, वाई और वी के बीच में, वाई और वी के बीच में ग्रेटर का साइन चाहिए, ठीक है। पर सर यहां पर एक चीज नोट कीजिए, कंक्लूजन के अंदर वाई किस तरफ आ रहा है, लेफ्ट की ओर, और वी किस तरफ आ रहा है, राइट की ओर। यही तो है, साइन से अगर देखा जाए तो ये लेफ्ट की ओर आ रहा है और ये राइट की ओर आ रहा है। सर ऊपर वाले स्टेटमेंट में आप एक बार मेरे को चेक करके बताइए कि ऊपर वाले स्टेटमेंट में वाई और वी की पोजीशन क्या है। सर ऊपर वाले स्टेटमेंट में तो वाई आ रहा है राइट की तरफ और वी आ रहा है आपका लेफ्ट की तरफ, मतलब कंक्लूजन में जो इनकी पोजीशनिंग है और ऊपर स्टेटमेंट में जो पोजीशनिंग है वो बिल्कुल अपोजिट है। अब इस चीज को सही करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके कारण आप एक बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। तो क्या कीजिए, ऊपर जो अलाइनमेंट है वाई और वी की, वैसे ही नीचे भी कर लीजिए। कैसे करेंगे सर, जस्ट घुमा दीजिए, वी को इस तरफ लिख दीजिए और वाई को इस तरफ लिख दीजिए। अब इसके लिखने के कारण साइन पे क्या फर्क पड़ेगा, साइन सर चेंज हो जाएगा, अब साइन हो जाएगा लेस का। अब लेस का अगर साइन हो गया तो फाइनल साइन में भी हमें अब क्या चाहिए, लेस का चाहिए। इससे पूरा डिफरेंस आ जाएगा, रूल तो वही है ग्रेटर के लिए और लेस के लिए, रूल तो वही रहता है, कौन सा, एटलीस्ट का रूल तो ग्रेटर और इक्वल दोनों के लिए क्या रहता है, सेम ही रहता है, कौन सा, एटलीस्ट का। तो रास्ते में आपको सिर्फ वाई से वी जाने में एक लेस का गेट चाहिए। तो सर वाई से एक्स जाने में ही वो बात तो फुलफिल हो जा रही है, लेस का आते ही गेट आ गया है, आते ही गेट आ गया तो फाइनल साइन का रूल लग गया, नहीं लग गया, बिल्कुल लग चुका है सर, दोनों रूल अप्लाई हो चुके हैं, तो पहला कंक्लूजन क्या है, करेक्ट है। अब आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार रिपीट करूंगा कि इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप फाइनल साइन का चेक करें तो वाई, दोनों जो आपके अक्षर हैं, दोनों जो एलिमेंट है, उनका अलाइनमेंट बिल्कुल सेम वैसा ही रहना चाहिए जैसा उनका ऊपर स्टेटमेंट में है। मतलब अगर ऊपर स्टेटमेंट में ये राइट और लेफ्ट है तो नीचे भी राइट और लेफ्ट ही होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फ्लिप कर लीजिए अकॉर्डिंग, ऊपर वाले के अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए, जिसके कारण आपका साइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डब्ल्यू ग्रेटर यू, मतलब डब्ल्यू से यू तक जाना है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट का पता चल ही चुका है, डब्ल्यू से शुरू करेंगे यू तक जाएंगे, सर डब्ल्यू से वी चले गए और फिर वी से यू भी जा पा रहे हैं, मतलब पहला वाला रूल तो लग गया। अब दूसरा है फाइनल साइन का, चेक करने से पहले क्या करेंगे कि अलाइनमेंट सही है या नहीं है। सर अलाइनमेंट सही नहीं है क्योंकि यहां पर ये लेफ्ट में और राइट में, पर ऊपर में डब्ल्यू राइट में और वी कहां, सॉरी यू कहां पर है, लेफ्ट में, तो इसको सही कर लेंगे। सही करने के लिए घुमाना है बस, वी इस तरफ लिख लिया, डब्ल्यू इस तरफ लिख लिया, इसके कारण क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन कौन सा आ गया, लेस का आ गया। लेस के लिए कंडीशन भी वही है सर, कम से कम एक ऐसा चाहिए, तो देख लेते हैं मिलता है नहीं मिलता। सर डब्ल्यू से वी जाने में ही लेस का साइन मिल चुका है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं, दूसरा रूल भी अप्लाइड हो चुका है, दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या आ गए आपके, करेक्ट आ गए। तो इस तरह से आपके दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो ये इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा जब भी फाइनल साइन के लिए चेक करें कि अलाइनमेंट सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आप ये गलती कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क, खुद से ट्राई कीजिए और मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा बताइए। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि सर आपने ना अभी तक आइदर और का पढ़ाया, ना आइदर और के जो सवाल पूछे जाते हैं वो भी नहीं पढ़ाया, ना आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले जिसमें आपको दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करके कैसे सॉल्व करना होता है वो भी नहीं करवाया। तो दोस्तों इम्पेशेंट मत होइए, सारी बातें आपको, मुझे पता है कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं जल्दबाजी में जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाऊंगा। तो सबसे पहले तो कल हम जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें पहले मल्टीपल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आइदर और के कुछ सवाल, ठीक है। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, सेशन आपको अच्छा लगा हो, चीजें समझ आई हो, अगर कोई डाउट रही हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं जल्दी से जल्दी आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट सेशन आने से पहले ही आपको इस सेशन की सारी डाउट्स क्लियर करना जरूरी है, तभी नेक्स्ट सेशन में ज्यादा मजा आएगा। और एक सवाल आपको होमवर्क के लिए दिया है,
उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। और जो मैंने आपको मेथड और रूल्स बताए हैं वो बाकी आपको कंटेंट ऑनलाइन खूब मिल जाएगा, चाहे बैंकर्स अड्डा पे हो, चाहे आपकी टेस्ट सीरीज आपने कोई ज्वाइन कर रखी हो, या इन जनरल आपके आर एस अग्रवाल हो, ठीक है।